कालिम्पोंग के क्षेत्र के लोगों को एक बहुत बड़ी आपदा का प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ रहा है। हम सब के लिए ये बहुत ही दुखद घड़ी है और जैसा कि हम जानते हैं कि कल एकदम मध्य रात में जो घटना घटी करीब 11:55 पे रात को जब सब लोग सो रहे थे उस समय जो है नॉर्थ सिक्किम में पहला जो है क्लाउड बस्ट हुआ और उस समय 11:55 पे आईटीबीपी का सबसे पहले पोस्ट ध्वस्त हुआ। फिर ठीक उसके 10 बाद जो चुंगतुंग में जो ऊर्जा तिस्ता का प्रोजेक्ट है डैम है वो भी पूरी तरह ध्वस्त हुआ और वहाँ पे लोगों को संभलने का बहुत समय भी नहीं मिला क्योंकि इतना कुछ बहुत थोड़े समय में ही हो गया। और उसके बाद नदी ने विकराल रूप लिया और पूरा तिस्ता नदी के दोनों तरफ जो भी लोग बसते हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी भारत सरकार के अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं उन सबको भारी नुकसान हुआ है। लोगों के संपत्ति का नुकसान हुआ है, लोगों के घर जो है पूरे जो है नदी में बहे हैं। और उससे भी बड़ा जो है दुखद ये है कि कई लोग जो है इस आपदा के शिकार भी हुए हैं और अभी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कुछ आर्मी के पर्सनल भी मिसिंग है, उनका भी रेस्क्यू और ढूंढने का काम जारी है। सिंगताम सिक्किम में करीब अभी तक जो है 4 डेड बॉडी वहाँ से बरामद हुई है। और अभी अभी मैं एनडीआरएफ से बात कर रहा था तो मुझे पता लगा कि गाजलडोबा में भी 2 लोगों की डेड बॉडी और बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे बहते हुए जो है वहाँ के गाँव वालों ने देखा है। सो ये एक हम सब के लिए बहुत दुखद और कठिन समय है। मैंने घटना की सारी जानकारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचा दी है और स्वयं गृह मंत्री जी सवेरे से ही सभी विभागों के संपर्क में लगातार वो बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं सिक्किम के मुख्यमंत्री जी से बात की है और भारत सरकार की ओर से जो भी रेस्क्यू में इमिडिएटली के रेस्क्यू में जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा एनडीआरएफ की टीम के साथ मैं लगातार संपर्क में हूँ और एनडीआरएफ की 4 टीम और हर एक टीम में करीब 25 से ज़्यादा जवान है। एक टीम कालीजोड़ा से आगे निकल चुकी है, दूसरी टीम गोरुबथान लाबा होते हुए जो है वो अभी कुछ ही समय में रंकू पहुँचने वाली है। 2 टीम सिलीगुड़ी में दिन भर से प्रतीक्षा कर रही थी कि मौसम खुले तो उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है राहत के लिए पहुंचाया जाए, वो अभी तक संभव हुआ नहीं है। मेरी प्रशासन कालिम्पोंग डीएम से भी बात हुई और नेशनल हाईवे NHAI की टीम से भी मैं संपर्क में हूँ, प्रशासन के भी संपर्क में हूँ। कुल मिला के ये एक ऐसा समय है हम सब ने मिल करके इस प्राकृतिक आपदा से क्षेत्र को जनता को निकालना है और जितना कम से कम क्षति पहुँचे वो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी और जो कुछ भी हुआ है उसके बाद जो है इसका जायजा लिया जाएगा और उसके बाद जो भी भारत सरकार की ओर से किया जाना होगा वो अवश्य भारत सरकार करेगी। और मैं सभी से अपील करता हूँ विशेष करके इस क्षेत्र में रहने वाले जनता, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन है और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से लेकर के जो है जो पहली घटना चुंगतुंग जहाँ पे जो डैम टूटा है वो 100 से भी ज़्यादा लंबी दूरी का रास्ता है। सो क्योंकि NH10 पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, जो लाइफलाइन जिसको सिक्किम और कालिम्पोंग पहुंचने का जो लाइफलाइन है वो पूरी तरह कटा हुआ है और इसलिए ऐसे क्षण में मैं पूरे समस्त पब्लिक से अपील करना चाहता हूं कि इस घड़ी में हम सब ने जहाँ कहीं भी हम हैं जिनको कुछ भी इस कारण से उनकी तकलीफ हुई है उसको मदद करनी चाहिए, चाहे उनकी रहने की व्यवस्था हो, चाहे कुछ समय के लिए उनकी भोजन की व्यवस्था हो,
मुझे लगता है सब मिलकर के करेंगे तो जो लोगों को कठिनाई है उसको कम करने में सफल होंगे। सिचुएशन क्या पैदा हुआ है, किसी कोई रेस्क्यू ऐसा कुछ जगह है? देखिए अभी तक कोई ऐसी कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, और जो है एयरलिफ्टिंग में हेलीकॉप्टर इसलिए तैयार खड़े हैं कि एनडीआरएफ को टीम को तुरंत पहुंचाया जा सके, इसके लिए भारत सरकार ने पहले से उसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। दो टीम ऑलरेडी अपने स्थान पे पहुंच चुकी है और दो टीम सिलीगुड़ी में है। जो भी सिचुएशन होगा उसके हिसाब से मूवमेंट होगा, वो टेक्निकली अपना काम करते हैं। मुझे लगता है उसमें मैं ज़्यादा विश्लेषण करूँ वो भी उचित नहीं है। और अभी जो हालात है वो थोड़ा सा बेहतर इसलिए लग रहा है क्योंकि पानी का जल स्तर जो है नदी का वो लगातार जो है घट रहा है, और क्योंकि इसमें बहुत सारे डैम बने हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जो पूरा बहुत सेंसिटिव जोन है और यहाँ के विकास कार्य में बाकी जो कार्य प्लेन में जो काम होता है उससे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं बार बार इस चीज़ को बताता रहता हूँ और भविष्य में भी हमने इस सब बातों की चिंता अवश्य करनी होगी।